बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अदनान अहमद, आपका एस्ट्रोलॉजर और वायरल सितारे में खुश आमदीद। आज हम मौजूद हैं एरीज अप्रैल 2019 के प्रेडिक्शंस के साथ। और प्रेडिक्शंस करने से पहले, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले, मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि बर वक्त आप हमारी वीडियोस देख सकें। इसके अलावा आप लोग का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि अब तक आपने हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट किया है, बहुत तआवुन किया है, और आपके इसी प्यार मोहब्बत और तआवुन की हमें ज़रूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप मुस्तकबिल में भी इसी तआवुन को जारी रखेंगे। तो बात करते हैं एरीज़ अप्रैल 2019 की प्रेडिक्शंस के बारे में। एरीज की सबसे पहले जो एलिमेंट, जैसे कि मैंने पहले भी बयान किया है कि एरीज का एलिमेंट आग है, तो एरीज की जो नेचर में है वो गुस्सा होता है, यानी कि बहुत जल्द गुस्से में आ जाते हैं, बहुत जल्द इनके मिजाज में तेज़ी आ जाती है, हाँ वो ख्वातीन हो या मर्द हजरात हो। और एरीज से प्यार मोहब्बत के साथ ही चला जा सकता है। एरीज हठधर्मी की ज़बान नहीं समझते। एरीज प्यार मोहब्बत की ज़बान से अगर इनके साथ डील की जाए तो ये समझ जाते हैं और उससे बहुत अच्छे तरीके से ये पेश भी आते हैं। फितरत के हिसाब से अल्लाह ने हर इंसान को बनाया है, हर शख्स की नेचर बिल्कुल डिफरेंट बनाई है, तो इनमें ऐसा एलिमेंट पाया जाता है। अब बात करते हैं 2019 अप्रैल 2019 के बारे में। आगाज़ करते हैं सेहत के साथ। सेहत 17 अप्रैल तक सेहत के मसाइल आपको दरपेश हो सकते हैं, टांग के, पैर के और निज़ाम हज़म के मामलात अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। 17 अप्रैल तक ये मसाइल रहेंगे। टांग में कोई तकलीफ़ है, टांग में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पैर के अंदर कोई तकलीफ़ हो सकती है, इसके अलावा निज़ाम हज़म यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, खुदा ना खास्ता। 20 अप्रैल तक मंगनी तय होने का इम्कान है, मंगनी या शादी तय होने का इम्कान है, यानी कि जो लोग पहले से ही रिलेशनशिप में हैं उनकी मंगनियां, जैसे कि पहले से बातचीत चल रही है, तो उम्मीद है कि वो 20 तारीख तक उनकी मंगनी तय हो जाए। जिन लोगों की मंगनियां हो चुकी हैं तो उम्मीद है कि 20 तारीख तक उनके निकाह तय हो जाए। अगर आपके निकाह पहले से डिसाइड हैं और वो 21 अप्रैल से 15 मई के दरमियान हैं तो खुदारा इस टाइम में शादी ना कीजिए, निकाह ना कीजिए, इसे पोस्टपोन कर दीजिए। 21 अप्रैल से 15 मई का टाइम पीरियड सितारों के हिसाब से ठीक नहीं है, इसमें शादी ना करें, झगड़ों का अंदेशा है। और अगर फिर भी अगर बहुत ही कोई मजबूरी है तो इसका आगाज़ सदका दे के करें, कोई बड़ा माली तौर पर सदका दीजिए, उसके बाद मजबूरी अगर शादी करना, हॉल बुक हो गया है, खाने का ऑर्डर दे दिया है, सारे काम हो चुके हैं, तो कोई बड़ा सदका देकर इस शादी को कीजिए, वरना बहुत चांस है, बहुत ज़्यादा चांस है कि ये शादी आपकी कामयाब नहीं रहेगी। मेरे मुंह में खाक, अगर आपने आगाज़ करना है तो ये काम कीजिए, और वरना इसके खतरात मौजूद हैं कि खुदा ना खास्ता आपकी शादी बरकरार नहीं रहेगी। तालीम के हवाले से बात करते हैं तो तालीम के मौके पैदा हो रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। तालीम के हवाले से जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है उन्हें आप पिक करें, उनका फ़ायदा उठाएं, उन्हें यूटिलाइज़ करें और तालीम के हवाले से आगे बढ़ने की कोशिश करें। 30 अप्रैल के बाद कैरियर में मुश्किलात नज़र आ रही हैं। 30 अप्रैल से पहले भी हैं, मगर जो तेज़ी 30 अप्रैल के बाद आएगी वो 30 अप्रैल से पहले नज़र नहीं है, यानी कि आपके कैरियर के अंदर जो मुश्किलात आएंगी, पैसे के मामलात, माली मामलात,
आपकी जो मुश्किलात हैं वो 30 अप्रैल के बाद ज़्यादा वाजे आपको नज़र आ रही हैं आपके जायचे के हिसाब से। 30 अप्रैल से पहले भी हालात मवाफिक नहीं होंगे माली लिहाज से। तीस अप्रैल तक हालात आपके हक में हैं कि दोस्तों से ताल्लुकात तवक्कुआत पूरी हो सकें, दोस्तों से तवक्कुआत पूरी हो सकती हैं 30 अप्रैल तक। ताल्लुकात आम्मा का जो आपका घर है वो इस वक्त पावर में है और दोस्तों से आपकी तवक्कुआत अगर आपने कोई रखी हुई है, आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो पूरी हो सकती हैं 30 अप्रैल तक। आपकी ख्वाहिशात की तकमील भी हो सकती है इस दौरान। अगर आपकी कोई ख्वाहिश है किसी भी किस्म की, अगर दोस्तों से रिलेटेड आपकी कोई ख्वाहिश है तो वो पूरी होने के चांसेस मौजूद हैं। 10 फरवरी से 17 अप्रैल इमिग्रेशन के लिए अच्छा वक्त है। अगर इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर लीजिए, लेकिन ये एहतियात कीजिए कि आपके दस्तावेज़ात में किसी चीज़ की कोई कमी ना रह जाए और कोई जाली डॉक्यूमेंट आपके पास ना हो, वरना आप फंस सकते हैं और अगर आप फंस गए तो आप बहुत बुरे फंसेंगे। अगर इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो 10 फरवरी से 17 अप्रैल यानी मार्च का महीना भी अच्छा था और 17 अप्रैल तक ये टाइम पीरियड चलेगा। अगर इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर लीजिए, वरना उसके बाद रुकावटें आ सकती हैं। कॉन्फिडेंस लेवल इस महीने अच्छा बढ़ा हुआ है, आपका बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है। फाइनेंशियल थोड़ा इशू है लेकिन वो आपको ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, वो 30 अप्रैल के बाद इसमें इजाफा देखने को मिलेगा। और मोहब्बत के लिए भी ये महीना अच्छा है। जो लोग शादीशुदा हैं या रिलेशनशिप में हैं उन्हें अपनी मोहब्बत मिल जाएगी। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या शादीशुदा हैं उन्हें मोहब्बत मिलेगी अपने, अगर जो शादीशुदा हैं अपने हस्बैंड हैं तो उन्हें अपनी वाइफ की तरफ से मोहब्बत मिलेगी, अगर वाइफ हैं तो अपने हस्बैंड की तरफ से उन्हें इजाफी मोहब्बत मिलेगी। और कुंवारे अफराद जो हैं वो भी इंजॉय कीजिए, जो अगर रिलेशनशिप में नहीं हैं मोहब्बत उनकी तलाश में मुसलसल है। तो ये ओवरव्यू हमने आपको दिया, पूरे महीने आप ये सारे मामला चलते रहेंगे। बेस्ट डे आपके जो अच्छी तारीखें हैं इस महीने की वो है 4, 5, 13, 14, 22, 23। अच्छे दिन 4, 5, 13, 14, 22, 23। और स्ट्रेसफुल डे यानी कि परेशान कुन दिन जो इसके आपको इस महीने जिन दिनों में सामना करना पड़ सकता है वो है 11, 12, 17, 18 और 24, 25। 11, 12, 17, 18 और 24, 25। बेस्ट डे फॉर लव 2, 3, 11, 12, 17, 18 और 21। 2, 3, 11, 12, 17, 18 और 21 ये मोहब्बत के लिए बेहतर दिन है। बहरहाल ये पूरा महीना हमने आपके सामने मुख्तसरन बयान किया है। अगर पर्सनल अगर आपको कोई अपनी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप पर्सनली मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके जायचे बना कर देते हैं और कोई किसी भी किस्म के कोई चार्जेस हम नहीं लेते। किसी भी किस्म का मशवरा आपको चाहिए तो वो भी आप हमसे कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 0307-2927-964 जो स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमें मैसेज कर दीजिए और काइंडली आप कॉल ना कीजिए, हम कॉल बर वक्त रिसीव नहीं कर पाते और हम क्योंकि मसरूफ़ होते हैं इस वजह से हम कॉल रिसीव नहीं कर पाएंगे। आप हमें मैसेज करके या वॉइस मैसेज में अपना पैगाम हमें दे सकते हैं, पॉसिबल हुआ तो हम व्हाट्सएप में ही उसका जवाब दे देंगे और पॉसिबल ना हुआ तो हम संडे की वीडियो बनाकर उसमें आपको इसका जवाब दे देंगे। दोस्तों जाने से पहले एक दफ़ा फिर से आपसे वही दरख्वास्त करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे बेल आइकन को दबाइए और हमारे साथ इसी तरीके से तआवुन करते रहिए, हमारे साथ अपना तआवुन जारी रखिए। आपकी मोहब्बत से आपके प्यार से हमारा ये चैनल यूं ही चलता रहेगा इंशाल्लाह। दोस्तों कोई बात आपके दिल पे गिरा गुजरी हो तो माजरत चाहता हूँ, अदनान अहमद ख़ान को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह निगेबान।